पंचम गुरु अर्जुन देव महाराज के महान शहीदी पर्व के उपलक्ष्य पर समस्त सिख समाज द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शुक्रवार को गोलघर इंदिरा गांधी तिराहे पर छबील व प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल और सिख समाज के लोगों ने अपने गुरुओं को नमन करके प्रसाद वितरण का शुभारंभ किया। नगर विधायक ने कहा कि सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की शहादत अतुलनीय है। हिंदू समाज और मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक, शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी गुरु अर्जुन देव अपने युग के सर्वमान लोकनायक थे, जो दिन रात संगत की सेवा में लगे रहते थे। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति अथाह सम्मान था। नगर विधायक और सिख समाज के लोगों ने सेवा भाव से नागरिकों को प्रसाद वितरण किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, महाराज जी का शहादत पर्व है। हर साल की तरह आप जी सात सेवा कर सकते हैं। हर साल की तरह इस स्थान पर शरीर सेवा कर सकते हैं। प्रसाद की सेवा जैसे घुमा दो सही ठीक है। देखिए, आज सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि हिंदू समाज के रक्षक के रूप में सिख समाज ने हिंदू धर्म के बीच में से ही निकल करके एक संघर्षशील और पूरी तरह राष्ट्र को और धर्म को समर्पित समाज का निर्माण किया था। सिखों की गुरु परंपरा में गुरु नानक के बाद गुरु अर्जन देव पांचवें गुरु थे और पूरा जीवन उन्होंने धर्म के लिए समर्पित किया। आज जिस गुरु ग्रंथ साहब को हम पूछते हैं परम पवित्र मान करके, हम सबको गर्व की अनुभूत होती है कि उस गुरु ग्रंथ साहब की का संकलन गुरु अर्जन देव ने अपने नेतृत्व में अन्य की सहयोग से वर्ष 1604 में किया था और गुरु ग्रंथ साहिब अपने आप में सभी धर्मों के समन्वय के प्रतीक थे, जिसमें सिखों के पांच गुरुओं के अलावा चार गुरुओं के अलावा अन्य सभी संप्रदाय और मतावलंबियों के जो मानव व्यक्तित्व को विकास करने की दृष्टि से उनकी रचनाएं होती थी, ऐसे समस्त वाणीकारों को समान रूप से सम्मिलित किया गया था। गुरु अर्जुन देव ने यह परंपरा स्थापित की थी कि सिख समाज और हिंदू समाज के लोग अपनी आय का दसवां हिस्सा, जिसको वो दसवंध कहते थे, वो आएँ और सिख समाज के इन धर्म केंद्रों पर स्थापित करें। हरमिंदर साहिब अमृतसर की स्थापना उन्होंने किया, तरन तारण की स्थापना उन्होंने किया, करतार साहिब की स्थापना उन्होंने किया और सबसे बड़ी बात, जब गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हुई और अकबर को यह बताया गया कि इसमें कुछ इस्लाम विरोधी तत्व हैं और अकबर ने कहा कि इन्हें निकाल दो, तो गुरु ग्रंथ साहिब ने सत्य उनको बता दिया और सत्य बताने के बाद अकबर ने यह महसूस किया कि नहीं, एक मानवता के लिए समर्पित ग्रंथ है और उन्होंने उन्हें 51 मोहरों से पुरस्कृत किया। अकबर के पुत्र जहांगीर का समय आया। जहांगीर एक कट्टर मुसलमान था और उसने चुनौती दिया अर्जुन देव को कि या तो तुम इसमें से ग्रंथ निकालो और 2,00,000 रुपए का जुर्माना भरो, क्योंकि तुमने हमारे विद्रोही खुसरो की मदद की है। तो गुरु अर्जन देव ने धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए, मूल्य के लिए, सिद्धांत के लिए अपना बलिदान देना स्वीकार किया। उन्हें तपती रेत में जलाया गया,
तपते कढ़ाई पर चलाया गया, गर्म पानी उनके शरीर पर डाला गया, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया। ग्रंथ साहिब में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। लाहौर की यह घटना थी और रावी नदी के तट पर जाकर उन्होंने अपना बलिदान किया और उनके बलिदान के नाते सिख समाज पूरे देश में शस्त्र के लिए पहचाने जाने लगा और हिंदू समाज के रक्षण के लिए उसने अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया। गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों पुत्रों को आज के दिन पर इसी माध्यम से उनकी शहादत के लिए संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं। और सिख समाज ने जो कार्यक्रम इस भीषण तपती धूप में ठंडे पानी के लिए और राह चलते लोगों के थोड़ा सा भी उनको नाश्ता मिल जाए, थोड़ी भूख उनकी कम हो जाए, शीतल जल उनको मिल जाए, इसके लिए आज दिन भर का जो कार्यक्रम रखा है, इसके लिए पंजाबी एकेडमी के हमारे माननीय सदस्य जगनैन सिंह नीटू और जटाशंकर गुरुद्वारा समिति और मोहदीपुर गुरुद्वारा समिति, पैडलेगंज गुरुद्वारा समिति, सबको हम नगर विधायक के रूप में आभार प्रकट करते हैं।